नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि स्कॉलरशिप का फाइनल अप्रूव कब तक होता है, पैसा लेने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस होता है स्कॉलरशिप का, ठीक है, तब जाकर के पैसा आता है, इसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। 2023 का आपको न्यू लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलने जा रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही कमाल की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। अगर आप स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब आप स्कॉलरशिप के फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका आवेदन को कॉलेज के द्वारा अप्रूव किया जाता है, यानी कि वेरीफाइड किया जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल पे आपका DWO ऑफिसर, ठीक है, वहाँ पे आपका पूरा डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, जाति निवास आए सब सब कुछ सही है कि नहीं सही है, वैलिड है कि नहीं है, वो सब आपका डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है। और कॉलेज वाले का काम है कि मेरा स्टूडेंट है या नहीं है, ठीक है, उन लोग को ये मतलब कि चेक करना है, मतलब कि ठीक है, उन लोग का वेरीफाइड जब कर देंगे, अप्रूव दे देंगे आपको, तो आपका नेक्स्ट लेवल पे जाएगा DWO ऑफिसर के पास, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का आपका सारा वेरीफाइड होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएगा वेरीफाइड होकर के DO ऑफिसर, वहाँ पे आपका आधार कार्ड बैंक के साथ लिंक है कि नहीं लिंक है, ठीक है, बैंक सीडिंग उनका चेक करने का काम है उस लेवल पे, ठीक है, अगर बैंक सीडिंग सही है तो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आपका फाइनल अप्रूव AA ऑफिसर के द्वारा मिल जाता है, इसके बाद आपको पैसा आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फाइनल अप्रूव आपको आज मिल गया तो तुरंत ही पैसा मिल जाएगा, फाइनल अप्रूव के बाद मतलब कि आपको बस पैसा आने का वेट करना है, ठीक है, और आपका बैंक अकाउंट चालू होना चाहिए, तब जाकर के आपको पैसा क्रेडिट होगा। तो ये चीज़ आप एक्टिव आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, और ध्यान रहे कि आपका आधार कार्ड के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक रहेगा उसी में पैसा आपको आएगा, ठीक है, तो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। DBT के माध्यम से पैसा को ट्रांसफ़र किया जाता है, ना कि बैंक अकाउंट के द्वारा, ठीक है, तो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और आपको बता दूं कि कहीं पर भी आपका DA ऑफिसर के पास या DWO ऑफिसर के पास अगर आपका आवेदन पेंडिंग रह गया है तो आपको 15 दिन का समय मिलता है, ठीक है, उस आवेदन को आप सुधार मतलब कर सकते हैं 15 दिन के अंदर, नहीं तो अगर ये आप इसे इग्नोर कर देंगे, नहीं सुधार करेंगे 15 दिन के अंदर, तो आपको एडिट करने का आपका टाइम खत्म है, यानी कि फॉर्म को आप सुधार नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन आपको मिलता है। तो आप अपना स्कॉलरशिप का आवेदन को आपको स्टेटस को चेक करते रहना जब तक आपका फाइनल अप्रूव न मिल जाए। उम्मीद करता है जानकारी आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के अपडेट आपको आगे मिलता रहे। मिलेंगे जानकारी के साथ, आपका दिन शुरू।